आज हम नंबर थ्री का एक बहुत ही खास इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, कांग्रेंस का। ठीक है जी, कांग्रेंस क्या होता है? ये एक रिलेशन होता है जो कि हम सेट ऑफ इंटीजर्स पे डिफाइन करते हैं। तो इसको स्टडी करने से पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि रिलेशन किसी सेट, किसी नॉन एम्प्टी सेट ए में रिलेशन हमने क्या डिफाइन किया था। ठीक है जी, तो यहां पर देख लेते हैं जी क्या होता है रिलेशन। ए को हमने कह दिया हुआ कि नॉन एम्प्टी सेट है, तो आर को अगर मैं कह दूं कि रिलेशन है ऑन द सेट ए, तो ये है क्या? इट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, इट इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, राइट जी। जब हमने कह दिया है कि जो रिलेशन आर है नॉन एम्प्टी सेट ए में, तो वो ए क्रॉस ए का सबसेट है। भाई साहब, अगर ए क्रॉस ए का ये सबसेट है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एलिमेंट्स किस तरह के हो सकते हैं? वही एलिमेंट्स होंगे ना जो कि ए क्रॉस ए के अंदर है, उन्हीं एलिमेंट्स में से चंद एलिमेंट्स हो सकते हैं। और ए क्रॉस ए के अंदर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस ए सेट ए का, उसके अंदर हमें पता है कि ऑर्डर पेयर्स होते हैं, यानी रिलेशन आर के अंदर ऑर्डर पेयर्स होंगे ए बी सच दैट ए और बी दोनों सेट ए में शामिल है। लेकिन ये किसी कंडीशन को फॉलो करते हुए एलिमेंट्स होंगे, ऑर्डर पेयर्स होंगे। अब वो कंडीशन क्या है? वो हर रिलेशन में कंडीशन मुख्तलिफ हो सकती है। ठीक है जी, जैसे यहां पर हम कांग्रेस रिलेशन स्टडी करने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी जो कंडीशन होगी वो एक पर्टिकुलर कंडीशन होगी, उसको भी अभी हम स्टडी कर लेंगे। लेकिन यहां पर हमें बात करनी है कुछ नोटेशंस की। जब हमने कह दिया कि आर एक रिलेशन है सेट ए में, तो उसके अंदर ऑर्डर पेयर्स पड़े हुए हैं ए क्रॉस ए कॉमा बी, और ए और बी दोनों सेट ए में शामिल है। इज दैट क्लियर? ऐसा ही होता है। नोटेशंस क्या है यहां पर? अगर मैंने कह दिया है कि एक पेयर ए कॉमा बी आर में शामिल है, तो इसका मतलब क्या हुआ करेगा? हम इसे लिखा कैसे करेंगे? हम लिखा करेंगे कि ए रिलेट कर रहा है बी के साथ। ए आर बी का मतलब ये हुआ करेगा कि ए कॉमा बी जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन आर में शामिल है, राइट जी। और अगर ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में शामिल नहीं है, तो हम कैसे लिखा करेंगे? ए इज नॉट रिलेटेड बाय बी, कि ए बी से रिलेट नहीं कर रहा। कुछ नोटेशंस हैं, कुछ मजीद नोटेशंस हैं, और नोटेशंस के बाद रिलेशंस की कुछ खास टाइप्स भी हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें हर एलिमेंट स्मॉल ए कैपिटल ए के लिए ए कॉमा ए ऑर्डर पेयर उस रिलेशन में शामिल हो, राइट जी। यानी किसी एलिमेंट ए का खुद के साथ ही पेयर हो, और ऐसा हर एक एलिमेंट सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं तमाम के लिए बात होल्ड करती हो। तो यानी आम अल्फाज में हम ये कह सकते हो कि सेट ए के तमाम एलिमेंट्स अपने आप के साथ रिलेट लाजमी करते हो, राइट जी। इस तरह सिमेट्रिक रिलेशन कौन सा था? अगर एक एलिमेंट ए बी से रिलेट कर रहा है, तो फिर बी भी ए से रिलेट करे। अगर हम इस चीज को ऐसे देखें तो ये बात साफ नजर आ रही होती है, लेकिन ये साफ इतनी ट्रिवियल बात नहीं होती। मतलब ये कि अगर ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में शामिल है, तो कुछ जरूरी नहीं है कि बी कॉमा ए बी ऑर्डर पेयर जो है वो रिलेशन आर में शामिल है। अगर तो ऐसा होगा तमाम एलिमेंट्स के लिए, तो हम कहते हैं जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। इसमें ट्रांजिटिव क्या होता है वाला रिलेशन? कि अगर ए का बी के साथ पेयर आर में शामिल है और बी का सी के साथ पेयर आर में शामिल है, ए बी सी सेट ए के एलिमेंट्स हैं, तो फिर लाजमी तौर पर ए का सी के साथ जो पेयर बनेगा वो भी आर के अंदर शामिल होना चाहिए। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही हो, तो हम इस रिलेशन को क्या नाम देते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन का। आइए डिफाइन करते हैं कि हमारा कांग्रेस रिलेशन क्या चीज है, और ये भी प्रूव करते हैं कि ये जो रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, राइट जी। तो कांग्रेस रिलेशन को डिफाइन करने से पहले सबसे पहली बात का ख्याल हमें यह करना है कि हम जिस सेट की बात कर रहे हैं वो कोई सा भी सेट ए नॉन एम्प्टी नहीं हो सकता। वो इन पर्टिकुलर सेट जो है वो फिक्स्ड है। वो कौन सा है? सेट ऑफ इंटीजर्स है, राइट जी। हम जेड द सेट ऑफ इंटीजर्स पे ही रिलेशन डिफाइन करने जा रहे हैं।
एवं हर किसी सेट को लेकर ये रिलेशन डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो हमारे पास जो सेट ए है उसकी जगह कौन सा है जी, सेट जेड, द सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट जी। और दूसरी बात, ये खास किस्म का जो रिलेशन है इसको डिफाइन करने से पहले हमें एक पॉजिटिव इंटीजर फिक्स भी करना है, यानी हर पॉजिटिव इंटीजर के बदले में ये जो रिलेशन मिलेगा सेम डेफिनेशन के साथ रिलेशन में अलग अलग मिलेगा, राइट जी। तो रिलेशन की डेफिनेशन शुरू करने से पहले हमने सबसे पहले एक पॉजिटिव इंटीजर m को फिक्स कर लेना है। सो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन, लेट m बी अ पॉजिटिव इंटीजर, देन द कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, इससे हम इसको डिनोट करेंगे, मॉडुलो m, यानी हम ये रिलेशन m को मद्देनजर रखते हुए डिफाइन कर रहे हैं, राइट जी। दिस रिलेशन मॉडुलो m इज अ रिलेशन ऑन z, की बात कर चुके हैं हम कि हम ये रिलेशन सेट ऑफ इंटीजर्स यानी कि z भी डिफाइन कर रहे हैं, राइट जी। सच दैट फॉर एनी a बिलोंग्स टू z, a b के साथ रिलेशन बनाएगा, यानी a रिलेट करेगा b के साथ। अब मैं रिलेट का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये एक रिलेशन है, रिलेशन का नाम r की बजाय हमने ये रखा हुआ, तो a इज कॉन्ग्रुएंट टू b, हम ऐसे पढ़ा करेंगे a b के कॉन्ग्रुएंट है, राइट जी। a b के कॉन्ग्रुएंट होगा मॉडुलो m में, कब होगा भला? एक तो बात ये है कि दरअसल ये जो रिलेशन है कॉन्ग्रुएंस का, इसके अंदर है क्या ऑर्डर पेयर्स a कॉमा b, a और b दोनों किससे वाला, z से, यानी a कॉमा b जो ऑर्डर पेयर है वो z क्रॉस z का एलिमेंट है, ठीक है, और कोई सा भी एलिमेंट नहीं हो सकता, ये किसी कंडीशन को फॉलो करता हुआ बनेगा। जैसे यहां पर मैंने कंडीशन की बात की थी, यहां पर जो कंडीशन है इन पर्टिकुलर वो क्या है वाला, m को डिवाइड करना चाहिए a माइनस b, a और b का जो डिफरेंस है अगर m उसको डिवाइड कर रहा है तभी ये ऑर्डर पेयर a कॉमा b इस रिलेशन में शामिल होगा, तभी हम कहेंगे कि a b के कॉन्ग्रुएंट है, किसके लिहाज से, m के लिहाज से, यानी मॉडुलो m, राइट जी। तो a b के कॉन्ग्रुएंट हुआ करेगा अगर m डिवाइड करेगा a और b के डिफरेंस को, a पहले b बाद में, राइट जी। m अगर a माइनस b को डिवाइड कर रहा है तो हम कहेंगे कि a b के कॉन्ग्रुएंट है, यानी जो ऑर्डर पेयर a कॉमा b है ये इस रिलेशन में शामिल है, राइट जी। ये आप पढ़ सकते हैं, जो मैंने बोल दिया हुआ है वही लिखा हुआ, इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, देन वी से दैट a इज अ कॉन्ग्रुएंट टू b, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, या हम ये भी कह सकते हैं a इज रेजिड्यू ऑफ b मॉडुलो m, यानी ये कह दें कि a b के कॉम्पोनेंट है मॉडुलो m के लिहाज से, हैं जी, या ये कह दें कि a b का रेजिड्यू है मॉडुलो m में, एक ही बात हुआ करेगी, ये हमने जस्ट नाम रखा करना है, ठीक है जी। और ये भी कि अगर a b के कॉम्पोनेंट नहीं है, यानी हम इसको कैसे बोलेंगे, काटा हुआ ना कॉम्पोनेंट लिख के, a b के कॉम्पोनेंट नहीं है मॉडुलो m में, कब होगा, सर जाहिर है ए बी के कॉम्पोनेंट कब था, अगर m डिवाइड करे माइनस b को, और ए बी के कॉम्पोनेंट नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब m a माइनस b को डिवाइड नहीं करेगा, सिंपल, राइट जी। एग्जांपल्स देख लेते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमने m को फिक्स करना है, m पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, उसको फिक्स कर लिया, m 5 आ गया हमारे पास, तो देखते हैं जी कौन कौन से इंटीजर्स हैं वो इस रिलेशन को फॉलो करते हैं, कौन से नहीं करते, यानी फर्स्ट गले मैं चेक करना चाह रहा हूं कि जो 10 है क्या वो कॉन्ग्रुएंट है 5 के, क्योंकि इस वक्त m 5 है तो मतलब मॉडुलो 5 में चेक कर रहा हूं मैं, तो सर चेक करें कैसे पता लगेगा मुझे कि 10 5 के कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, सर 10 में से 5 को माइनस किया है ना, निकाला, क्या जवाब आया 5, और 5 5 भी डिवाइड होता है, यानी 5 जो है वो डिवाइड करता है किसको, 10 माइनस 5 को, राइट जी। ये a है, ये b है, ये m है, तो a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m कब होगा, जब m डिवाइड करे a माइनस b को, तो यहां पर 5 डिवाइड कर रहा है 10 माइनस 5 को, यस 10 माइनस 5 क्या होता है 5 होता है, और 5 5 को डिवाइड करता है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि जो 7 है क्या वो कॉन्ग्रुएंट है 5 के मॉडुलो 5 में, क्या ये है, सर सीधी सी बात है, चेक कर लें, 7 में से 5 को माइनस किया, क्या आया 2, और जो 5 है वो 2 को डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब ये कि बात जो लिखी हुई है गलत है, मतलब हम कैसे लिखेंगे इसको, काट देंगे कि 7 जो है वो 5 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है मॉडुलो 5 में, राइट जी। रीजन क्या वाला, 5 डिवाइड नहीं करता 7 माइनस 5 को, ठीक होगा जी।
तो यहां पर एक और एग्जांपल देखते हैं, एम हमने 11 लिया होगा और इन्हीं दो एलिमेंट्स को देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो रिलेशन है एक ही डेफिनेशन के साथ अलग अलग बिहेव करेगा अलग अलग पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, ठीक है जी। मॉडल इस वक्त हम डिफरेंट लेंगे तो मे बी ये चीज होल्ड ना करे, यहां पर कर रही है एम को 5 लेने से, एम को 11 लिया। तो अब इसको चेक करें कि क्या 10 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है 5 के मॉडलो, अब इस वक्त मॉडलो क्या बोला 11, तो सर चेक कर लें 10 में से 5 को निकाला 5, और 5 11 पे डिवाइड नहीं होता सर, 5 और 10 कॉन्ग्रुएंट थे यहां पर नहीं है, तो एम पे डिपेंड किया करेगा ये रिलेशन, राइट जी। तो यहां पर ये बात होल्ड नहीं करती है, राइट जी। और इसको चेक कर लेते हैं 7 और 5 को, आप चेक कर सकते हैं 7 और 5 का डिफरेंस 2, और 2 भी 11 में डिवाइड नहीं होता। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक हमारे पास है जी 13, ओके जी 13 कॉन्ग्रुएंट होगा 2 के, जो मॉडलो है वो क्या है इस वक्त हमारे पास 11, मॉडलो 11, 13 जो है वो 2 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडलो 11 में, क्यों है भाई साहब, क्योंकि 13 में से 2 माइनस किया क्या आया 11, और 11 11 पे डिवाइड होता है। तो ये लीजिए ये बात ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो 11 है वो 10 माइनस 5 को डिवाइड नहीं करता, जो कि इसलिए 10 5 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है मॉडलो 11 में, और 13 जो है वो 2 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडलो 11 में, क्योंकि 11 जो है वो डिवाइड करता है 13 माइनस 2, यानी इन दोनों के डिफरेंस को, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 11 बनता है, और 11 11 को डिवाइड करता है। ऐसे ही आप मुख्तलिफ इंटीजर्स लेकर ये चेक कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर मॉडलो एम के लिए ये जो रिलेशन है ये बनता है या नहीं बनता जी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करेंगे किसी भी पॉजिटिव इंटीजर एम के कॉरस्पॉन्डिंग, ये रिलेशन हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ करेगा, इस बात को हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एम द रिलेशन कॉन्ग्रुएंस वाला रिलेशन राइट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट जेड। तो मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए हमें 3 बातें प्रूव करनी पड़ेंगी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो बारी बारी इन तीनों को हम प्रूव करेंगे। जी रिफ्लेक्सिव के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि हर इंटीजर ए के कॉरस्पॉन्डिंग ए कोमा ए ऑर्डर पेयर लाजमी तौर पर इस रिलेशन में शामिल हुआ करेगा, राइट जी। यानी हम इसको लिख भी सकते हैं टू शो, व्हाट इज टू शो, क्या शो करना है, टू शो क्या शो करना है कि ए कॉमा ए पेयर लाजमी तौर पर इस कॉन्ग्रुएंस रिलेशन में शामिल होना चाहिए फॉर ए बिलोंग्स टू जेड, किसी भी इंटीजर के लिए। इन अदर वर्ड्स हमने क्या शो करना है, हमने ये शो करना है कि हर इंटीजर ए अपने ही आप के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो एम में, राइट जी। तो चलिए जी प्रूव करते। तो फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जेड, ए कोई सा हमने इंटीजर पकड़ लिया, देखना ये है कि जब मैं ए में से ए को ही माइनस करूंगा तो क्या आएगा भला, जीरो आएगा, जीरो ही आएगा ना। और फिर ये देखना है कि क्या जीरो उस पॉजिटिव इंटीजर एम पे डिवाइड होता है जो मुझे गिवन है। एम क्या है, कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर अगर एम है तो जीरो हर पॉजिटिव इंटीजर पे डिवाइड होता है भाई साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई साहब, लिख सकते हैं कि एम जो है वो डिवाइड करेगा ए माइनस ए को, यानी कि जीरो को, है ना जी। तो जनाब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि ए कॉन्ग्रुएंट है ए के ही मॉडुलो एम, है ना। तो इसका मतलब यही है जो हमने प्रूव करना था कि अगर ए ए के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो एम, तो फिर ए का ए के साथ जो पेयर बनेगा वो इस रिलेशन में शामिल है, राइट जी। तो यू हमारा ये रिलेशन जो है वो प्रूव हो गया कि क्या है, रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है जी, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। सर सिमेट्रिक के बारे में क्या पढ़ा था हमने कि अगर एक ऑर्डर पेयर ए बी
इस रिलेशन में शामिल है, यानी ए बी के कॉम्पोनेंट है, तो हमने प्रूव करना है कि बी भी ए के कॉम्पोनेंट होगा, यानी बी कोमा ए जो ऑर्डर पेयर बनता है वो भी इसी रिलेशन में शामिल है। राइट जी, तो चलें जी। जी क्या मतलब है टू शो, क्या शो करना है हमने इसमें, हमने शो करना है कि अगर ए का बी के साथ पेयर इस रिलेशन में शामिल है, देन इंप्लाइज बी का ए के साथ पेयर भी इसी रिलेशन में शामिल होना चाहिए। राइट जी, जब जब ए और बी को हम इंटीजर से पकड़े इस तरीके से कि ए का बी के साथ पेयर इस रिलेशन में शामिल है, तो फिर बी का ए के साथ जो पेयर बनेगा वो भी इसी रिलेशन में शामिल होना चाहिए। राइट जी, इन अदर वर्ड्स क्या प्रूव करना कि अगर ए बी के कॉन्ग्रेंट है मॉडल में, तो फिर बी ए के भी कॉन्ग्रेंट हो। राइट जी, और बहुत सिंपल काम है सर, बहुत ही सिंपल काम है। अभी लीजिए जी, लेट कीजिए ए बी दो इंटीजर्स हैं, सच डैट ए कॉन्ग्रेंट है बी के मॉडुलो एम। क्या मतलब इस बात का, इस बात का मतलब यही है कि ए का दो, ए का जो बी के साथ पेयर है वो इस रिलेशन में शामिल है। राइट जी, तो ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडुलो एम, तो सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि m डिवाइड करेगा, डेफिनेशन के हिसाब से m डिवाइड करेगा किसको सर, a माइनस बी को, है ना जी। अगर m किसी इंटीजर को डिवाइड करता है तो डेफिनेटली वही m उस इंटीजर के नेगेटिव को भी डिवाइड कर देगा, करेगा ना सर। दो जो है वो चार को डिवाइड करता है, करता है तो दो माइनस फोर यानी नेगेटिव फोर को भी डिवाइड करेगा भाई साहब, करेगा ना, बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर m a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है जी, तो लाजमी बात है कि m डिवाइड करेगा a माइनस बी के नेगेटिव को, और जो के बराबर होता है b माइनस ए के। तो सर m डिवाइड कर रहा है आपकी बार b माइनस ए को, तो क्या मतलब इस बात का, इस बात का मतलब यह है कि b कॉन्ग्रेंट है a के मॉडुलो m में। तो मतलब अगर a कॉमा b ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में शामिल है, तो फिर b कॉमा a ऑर्डर पेयर भी इसी रिलेशन में शामिल होगा। नेक्स्ट हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव में क्या करना होता है भाई साहब, ट्रांजिटिव में प्रूव करना होता है कि अगर a का b के साथ पेयर इसमें है इस रिलेशन में, और b का किसी थर्ड एलिमेंट c के साथ भी पेयर इस रिलेशन में है, तो फिर a का c के साथ पेयर भी इसी रिलेशन में शामिल होना चाहिए। राइट जी, लिखते हैं जी। जी तो हमने लिख लिया कि ट्रांजिटिव के लिए मैं क्या प्रूफ करना है कि अगर ए का बी के साथ पेयर और बी का किसी थर्ड एलिमेंट सी के साथ पेयर इस रिलेशन में शामिल है, तो फिर हमने साबित करना होगा कि ए का सी के साथ पेयर भी इसी रिलेशन में शामिल है। जी तो हमें इसमें गिवन क्या है सर, इसमें गिवन क्या है, गिवन है कि ए बी पेयर और बी सी पेयर शामिल इस रिलेशन में। मतलब क्या है इस बात का, इस बात का मतलब यह है कि ए बी के कॉन्ग्रेंट है मॉडुलो एम में, और साथ ही साथ बी सी के कॉन्ग्रेंट है मॉडुलो एम में। राइट जी, तो इसका क्या मतलब होगा बाय डेफिनेशन कि एम डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को, और इसका मतलब होगा कि एम डिवाइड कर रहा है बी माइनस सी को, है ना। तो सर हमने प्रूफ क्या करना है कि m डिवाइड कर रहा है a और c के डिफरेंस को, यानी a माइनस c को, कैसे प्रूव किया जा सकता है, क्या ख्याल है, m a माइनस b को भी डिवाइड कर रहा है, m b माइनस c को भी डिवाइड कर रहा है, तो m इन दोनों के किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा, करेगा ना। ऐसा हमने प्रूव किया था नंबर थ्योरी के सबसे पहले लेक्चर में कि m अगर दो नंबरों को डिवाइड कर रहा है, दो इंटीजर्स को डिवाइड कर रहा है, तो फिर वो m उन दोनों इंटीजर्स के किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा। तो यहां पर हमें चाहिए इन दोनों का कोई एक खास लीनियर कॉम्बिनेशन, राइट जी, जो के किसके बराबर हो जाए, a माइनस c के बराबर हो जाए, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है कि m
ए माइनस सी को डिवाइड करता है, यानी ए सी के कॉम्पोनेंट है मॉडुलो एम में, राइट जी। तो वो खास लीनियर कॉम्बिनेशन क्या वाला, जरा सोचिए कि ए माइनस बी और बी माइनस सी, अगर आप इन दोनों को एज इट इज एड कर दें तो माइनस बी प्लस बी कर जाएगा और ए माइनस सी बच जाएगा, और यही तो हम चाहते हैं, है ना। तो वो जो खास लीनियर कॉम्बिनेशन है वो दरअसल इन दोनों का सम ही है, यानी इसको भी वन से करें मल्टीप्लाई, इसको भी वन से करें मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड कर देंगे तो एम यकीनन उस सम को भी डिवाइड करेगा और वो ए माइनस सी ही बनता है, राइट जी। लिखते हैं जी कि एम डिवाइड करेगा ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, यानी दोनों के सम को। अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं तो इधर भी वन लगा दें, इधर भी वन लगा दें, तो मतलब क्या कि m डिवाइड करेगा a माइनस सी को, और इसका मतलब हुआ कि a c के कॉम्पोनेंट है मॉडुलो m, ठीक हो गया जी। और यूं साबित हो गया कि ये जो पेयर है a का c के साथ ये भी शामिल है इसी रिलेशन में, और यूं हमने प्रूव कर दिया कि ये जो रिलेशन है ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसको भी लिख लेते हैं।